रेबिट में हेयर लॉस की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि काफ़ी फार्मर्स को भी आती है, और साथ में जो लोग एज अ पेट रेबिट को घर पे रखे हुए हैं उन लोगों को भी रेबिट के हेयर लॉस की काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अब रेबिट में हेयर लॉस क्यों होता है, यानी कि रेबिट के जो है बाल धीरे धीरे क्यों गिरने लग जाते हैं, उसको इन सब से कैसे बचाया जा सकता है, और अगर आपके रेबिट को हेयर लॉस की प्रॉब्लम या बाल गिरने की अगर प्रॉब्लम कुछ हो चुकी है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं हूं सोनू मीना और आप देख रहे हैं उन्नति फार्म। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घर में जब हम रेबिट रखते हैं तो उसको प्रॉपर वे में रखते हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो। पर बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जो रेबिट तो रख लेते हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं होती कि रेबिट के बारे में प्रॉपर उसको किस तरह से रखना होता है, उसकी क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है, और इन्हीं सब के चलते बहुत सी बार क्या होता है कि रेबिट को हेयर लॉस की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है, यानी कि रेबिट के बाल जो है धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जिनके मुझे कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि हमारे पास एक रेबिट है, हमारे पास कुछ रेबिट हैं जो हमारे पास रखे हुए हैं एज अ पेट, और उनके धीरे धीरे बाल गिरने लग गए और वो एक तरह से पूरे गंजे हो गए हैं। इसके अलावा काफ़ी फार्मर्स हैं जिनकी भी डिमांड आती है कि रेबिट को हेयर लॉस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बाल गिर जाते हैं, उसके बाद रेबिट को सेल करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो ऐसा मोस्टली रेबिट में क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि रेबिट में हेयर लॉस की प्रॉब्लम क्यों आती है और इसका बचाव क्या है, और अगर रेबिट को अगर ऐसा कुछ हो जाता है यानी कि हेयर लॉस की अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसका क्या इलाज करना है। तो इन्हीं सब के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस आप लोगों से करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि रेबिट में हेयर लॉस की प्रॉब्लम आती क्यों है। तो आप ये देखिए कि रेबिट में हेयर लॉस कुछ कुछ कारण है जिनकी वजह से होता है। पहला रीज़न है कि अगर आपका रेबिट का प्रॉब्लम रेबिट को प्रॉपर अगर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, यानी कि रेबिट जो है जहाँ रह रहा है अगर आपने उसने नीचे रखा है यानी पर्स पे या ज़मीन पे रखा हुआ है कॉलोनी सिस्टम में, तो वहाँ भी बहुत सी बार क्या होता है रेबिट टॉयलेट करता है और अपनी पोटी वगैरह करता है, अगर उसकी प्रॉपर साफ़ सफाई ना हो, अगर उसको सूखा ना किया जाए तो रेबिट उसी में इधर उधर घूमता है, उसकी वजह से वो जो यूरिन उसका होता है उसकी बॉडी पर धीरे धीरे लगता रहता है उसके बालों में, और इसकी वजह से रेबिट को इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत सी बार ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ भी होती है जिन्होंने रेबिट अपने घर पर रखा हुआ होता है, तो इस वजह से भी धीरे धीरे उनको ये समस्या होने लग जाती है। तो आप लोगों को पहला तो ये है कि रेबिट का जो है आप साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखें जिससे कि आपका रेबिट को किसी तरह की हेयर लॉस की प्रॉब्लम ना हो। दूसरा क्या होता है कि रेबिट को तो बहुत सी बार स्किन प्रॉब्लम हो जाती है जब वो किसी दूसरे इन्फेक्टेड रेबिट के संपर्क में आ जाता है, उस वजह से भी होती है। या क्या होता है कि बहुत सी बार वो किसी दूसरे जानवर के संपर्क में आ जाते, जैसे क्या होता है घर में जब रेबिट रहता है तो वहाँ चूहे वगैरह उसके दाने को खाने के लिए आते रहते हैं, तो कभी वो अगर कोई बीमार चूहा इन्फेक्टेड चूहा अगर उसके संपर्क में आ जाता है तो उसकी वजह से भी रेबिट को जो है हेयरलेस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि आपका रेबिट जो है जिसको खुजली की प्रॉब्लम होती है, और खुजली के बाद वो अपने जो से उसको खुजली को मिटाने के लिए जब पंजों से वो करता है तो धीरे धीरे उसके बाल निकलने लग जाते हैं, और बाल इस कदर निकलते हैं कि आपका रेबिट जो है पूरी तरह से गंजा हो जाता है, यानी कि उसके पूरी तरह से बाल निकल जाते हैं, स्किन दिखने लग जाती है। अब आपको क्या करना है कि इन सब समस्याओं से बचने के लिए, सबसे पहले तो हम उपाय के बारे में बात करें कि अगर आपके रेबिट के साथ अगर ऐसा हो जाता है तो आप उसका क्या उपाय करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जहाँ पे भी रेबिट रखे हुए हैं अगर आपने केज में रखा हुआ है तो केज की प्रॉपर साफ़ सफाई करें, केज का ध्यान रखें, सैनिटाइज उसको करते रहें टाइम टू टाइम ताकि आपके रेबिट को किसी तरह का इन्फेक्शन ना रहे, उसके बॉडी पर यूरिन ना लगे। ठीक है, अगर आपने केज के अंदर अगर मैट बिछाया हुआ है तो उस मैट की भी आप प्रॉपर बदली करें, उसकी साफ़ सफाई करते रहें। और इसके अलावा अगर आपने रेबिट को ज़मीन पर रखा हुआ है या आपने अपने घर के अंदर मकान में रखा हुआ है तो उसका भी आपको प्रॉपर ध्यान रखें कि उसके रेबिट को जहाँ रखे हुए हों वहाँ पे प्रॉपर साफ़ सफाई होती रहे, प्रॉपर तरीके से उसका क्लीनिंग होती रहे, आपका ध्यान रखें कि रेबिट को कहीं उसका यूरिन नहीं लग रहा हो, कहीं उसकी पोटी वगैरह उसको ना लग रही हो, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो भी आपका रेबिट जो है वो प्रॉपर क्लीन रहेगा। मैंने एक वीडियो बना रखा है, बहुत से लोग पूछते हैं कि हम रेबिट को हमारा रेबिट गंदा हो गया तो उसको नहला सकते हैं कि नहीं नहला सकते, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है कि रेबिट की क्लीनिंग कैसे करनी चाहिए, या रेबिट को नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए, उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो दूसरी, रेबिट को साफ़ सफाई आप प्रॉपर रखें, आपको रेबिट को नहलाना नहीं है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। रेबिट को आपको नहलाना नहीं है, उसको नॉर्मली आप हल्के गीले कपड़े से वॉश कर सकते हैं, उसको ऊपर से पोंछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मार्केट में भी रेबिट को साफ़ करने के लिए कुछ स्प्रे वगैरह आते हैं, आप उनसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक,
और प्रॉपर साफ सफाई रख के आप अपने रेबिट को हेयर लॉस की प्रॉब्लम से अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर फिर भी आपके रेबिट को अगर हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो गई है या उसके बाल गिरने लग गए हैं, तो आपको ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको मेडिकल ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये देखें कि आपके रेबिट को हेयर लॉस की प्रॉब्लम के पहले उसको खुजली की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। बहुत सी बार क्या होता है, रेबिट को खुजली की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से उसका हेयर लॉस होने लग जाता है। अगर आपको रेबिट को खुजली की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, खुजली की प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना है, वो आप आई बटन पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आपके रेबिट को खुजली की अगर प्रॉब्लम कभी हो जाती है तो उसके लिए आपको एक इंजेक्शन जो है मार्केट में अवेलेबल है आइवरमेक्टिन के नाम से, ये उसका शॉर्ट नेम है आइवरमेक्टिन। ये आपको ओरल में भी मिल जाएगा, आप उसको पिला भी सकते हैं, बट जिनको पिलाने की जो इजीली पिला सकते हैं वो पिला दें। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इंजेक्शन भी लगा सकते हैं या खुद डॉक्टर से लगवा सकते हैं, आइवरमेक्टिन के नाम से आता है। अगर इसका मैं ब्रांड नेम बात करूँ तो ये हाईटेक के नाम से भी आता है और नियोमेक के नाम से भी आता है, बहुत सारी अलग अलग ब्रांड्स आती है। आप नॉर्मली हाईटेक प्रिफर कर सकते हैं, अच्छी ब्रांड आती है, उसको आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो हाईटेक का जो इंजेक्शन यानी आइवरमेक्टिन सॉल्ट में जो इंजेक्शन आता है वो आपको आपके रेबिट को खुजली से बचाएगा। अगर आपको इसका डोज अगर रेगुलर आप अपने रेबिट को दे रहे हैं तो आपके रेबिट को कभी भी खुजली की प्रॉब्लम नहीं होगी और उसके बाद आपका रेबिट को हेयर फॉल जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दूसरे इसके क्या होता है कि रेबिट को बहुत सी बार क्या है, जो छोटे छोटे जानवरों के ऐसे छोटे छोटे पिस्सू जो होते हैं जो बॉडी में आ जाते हैं, यानी कि काले कलर के छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं जो परजीवी होते हैं, जो कि दूसरे जानवरों का खून पी के जिंदा रहते हैं, वो बहुत सी बार रेबिट में भी आ जाते हैं, क्योंकि रेबिट के बाल लंबे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से भी रेबिट को हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है। अगर आप ये इंजेक्शन उसको रेबिट को रेगुलर देते हैं तो आपको रेबिट को जो है हेयर लॉस की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप रेबिट के हेयर लॉस के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान रखें, उसकी क्लीनिंग बराबर करते रहें, केज की क्लीनिंग करें, फ्लोर पर रखते हैं और फ्लोर की क्लीनिंग बराबर करें, उसको ज़्यादा टाइम टॉयलेट में ना रहने दें। अगर आपका रेबिट टॉयलेट में उसके बॉडी पर लग जाता है तो उसकी प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग कर दें, गीले कपड़े से उसको वॉश कर दें, रेबिट को कभी नहलाएं नहीं, नहलाने से रेबिट बीमार हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम रेबिट को नहलाते, हमारे रेबिट को कभी कुछ नहीं हुआ, ये तब होता है जब आप उसको शुरू से नहला रहे हो। पर बहुत सारे क्या करते हैं, लोग बड़ा रेबिट अडॉप्ट कर लेते हैं और जब उसको पहली या दूसरी बार नहलाते तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है, उसको निमोनिया सर्दी जुकाम जैसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और वो मर जाता है। तो इस चीज़ को आप प्रॉपर ध्यान रखें, रेबिट की क्लीनिंग बराबर करें, हाईटेक जो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है उसका यूज करें, इस तरह से आप अपने रेबिट को हेयर लॉस की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। दोस्तों ये थी आज के वीडियो में हेयर लॉस की प्रॉब्लम के लिए आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।